वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। तो गाइस अभी मैं हूँ बंदरबास में, मेरा डे टू है बंदरबास में अभी और काफ़ी बढ़िया नींद आ रही है गाइस यहाँ पे। मे बी बिकॉज ऑफ वेदर और मे बी बिकॉज ऑफ सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग में हूँ यहाँ पे शायद मेरे बॉडी को सूट कर रहा है इसलिए मैं सो रहा हूँ। अभी हो रहे हैं सुबह के अराउंड 11:30 बज रहे हैं। हाँ काफ़ी लेट उठा हूँ, अराउंड आधे घंटे पहले उठा था मैं, बट इसके पहले दो तीन दिन तक मेरे को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मे बी बिकॉज ऑफ मतलब एटमॉस्फेयर बोल सकते हो या फिर बॉडी को शायद सूट नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे नींद आ रही है तो इसलिए मैं सो रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ गाइस, आई एम ईटिंग एग बनाया मैंने, ब्रेड खरीद के लाया था मैं और मेरे पास पीनट बटर है जो मैं तो हर दम लेके ट्रैवल करता ही हूँ, आपको पता ही है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे गाइस, इट मीन्स अ लॉट कि आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते हो। बट मेक श्योर करना कि आप लोग लाइक भी दबा दो, सब्सक्राइब भी कर दो और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो। बंदर अब्बास में अगर आपको सबसे परफेक्ट वेदर चाहिए ना गाइस तो वो है अभी का सीज़न। अभी अराउंड फरवरी के मतलब मिडिल फरवरी के मिडिल का टाइम है अभी चल रहा है, और अगर आप लोगों को बंदर अब्बास आना है मैं रिकमेंड करूँगा यही फरवरी के एंड में या फिर मार्च के इनिशियल डेज तक आना, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि गर्मी में बहुत ख़तरनाक गर्मी हो जाती है और अगर आप लोगों को आना है तो बेस्ट टाइम इज़ नाउ। और जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि बंदर अब्बास में बहुत सारे इंडियन कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है आपको, और जैसे मैं डोसा खाया था लास्ट वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको इंडियन फूड भी ट्राई करने को मिल सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस को लेके आए गए थे मतलब अराउंड 15th century के अराउंड, क्योंकि यहाँ पे भी पोर्चुगीज़ ने रूल किया था और पोर्चुगीज़ इंडिया से बहुत सारे एज ए स्लेव लोगों को लेके आए थे यहाँ पे। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस थे पहले, इसलिए यहाँ पे एक बहुत फेमस इंडियन टेंपल भी है जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैं देखता हूँ कैसा होता है यहाँ पे यहाँ का इंडियन टेंपल, क्योंकि मेरे को भी पहले पता नहीं था। जैसे ही मेरे होस्ट ने बोला कि यहाँ पे ऐसा कुछ है तो मैं तो बोला यार इसको तो पक्का कवर करना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान में किसने एक्सपेक्ट किया था गाइस कि मैं इंडियन टेंपल देखने को मिलेगा मेरे को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा गाइस, ये मेरे को पहले पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद मैं ये गलती नहीं करता पहले, क्योंकि ये मैं बंदर अब्बास में आने के बाद मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग इंडिया से ईरान आ रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप तेहरान में ही लैंड करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप मतलब मेरी फ़्लाइट ऐसी थी कि मेरी फ़्लाइट थी मुंबई से दुबई, दुबई से तेहरान थी। बट अगर मैंने ऐसे किया होता मुंबई से दुबई, दुबई से अगर मैं बंदर अब्बास की तरफ आ जाता तो शायद मेरे को बहुत सस्ते फ़्लाइट्स मिल जाते, अराउंड 2-3 हज़ार का मतलब मेरे को डिस्काउंट मिल जाता, क्योंकि दुबई से बंदर अब्बास इज़ जस्ट हाफ एन आवर और बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं जो दुबई से आते जाते रहते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग को ऐसी कोई डील मिल रही है तो उसको ज़रूर कंसीडर करना, आप लोगों को ज़रूर अराउंड 2-3 हज़ार का सेव हो सकता है आपको। और जैसे ही आप लोग ईरान के अंदर एंटर हो गए गाइस, जैसे आप लोग बंदर अब्बास में आ जाओगे उसके बाद थ्रू लैंड आप लोग टूवर्ड्स नॉर्थ जा सकते हो, तेहरान की तरफ जा सकते हो, और फिर वाइल रिटर्निंग आप लोग ये काम कर सकते हो कि तेहरान से आप लोग डायरेक्ट इंडिया चले जाओ। तो फिर आपको ऐसे करोगे तो थोड़ी सी सस्ती डील मिल सकती है मेरे हिसाब से, तो आप लोग को मिल रही है ऐसी डील तो फिर कंसीडर कर सकते हो आप लोग। तो मैं ऐसे रास्ते में चल रहा था, मेरे को ये यहाँ पे मॉस्क मिल गया, काफ़ी ब्यूटीफुल है ना गाइस। किसने सोचा था गाइस कि ईरान में आने का ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जब पहले ईरान के बारे में मैं सोचा करता था तब यही सोचता था मिडिल ईस्ट मतलब पूरा डेजर्ट होगा, मतलब ज़्यादा कुछ खास देखने को होगा नहीं। बट यहाँ पर आने का पता चल रहा है इतना डाइवर्स कंट्री है ये, कितने भी दिन स्पेंड कर लो यहाँ पे आप लोग को सेटिस्फेक्शन मिलने नहीं वाली, हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, और यही चीज़ें जो ईरान को इतना स्पेशल बना देती है गाइस। और रिसेंटली अब टूरिज़्म बढ़ रही है धीरे धीरे, अभी ईरान को भी समझ में आ रही है कि यहाँ लोग आ रहे हैं तो फिर फ़ायदा हो रहा है। मे बी इन मोस्ट इनकमिंग टू टू थ्री ईयर्स बहुत ज़्यादा टूरिज़्म आने वाला है यहाँ पर। सिटी सेंटर ये देखो हमारा आज फिर कटा है गाइस। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 3 बज रहे हैं, और जैसे आप लोग बताए 1 बजे से 5 बजे तक
ईरान सब कुछ बंद होता है, सारे लोग जाते हैं अपना दुकान वगैरह सब बंद करके। आप पीछे देख सकते हो सारे दुकान बंद हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये टाइम यहाँ पे कंसिडर किया जाता है स्लीपिंग टाइम या फिर रेस्टिंग टाइम, और इसी रीज़न से ये मंदिर भी बंद है। अभी 5 बजे खुलेगा बोल रहे हैं। मेरे को लगा था शायद ये इंडियन टेम्पल है इसलिए शायद खुला होना चाहिए, बट ये भी बंद है। तो भी मेरे को अभी थोड़ी भूख लगी है, तो मैं थोड़ा कुछ खा लेता हूँ यहाँ पे। कुछ लंच वगैरह होगा तो यहाँ पे खा लूँगा, जैसे फिर उसका थोड़ी देर वेट करके फिर आऊँगा यहाँ पे मंदिर विज़िट करने के लिए, क्योंकि आज तो विज़िट करना है मेरे को, भले ही मेरे को रुकना भले ही पड़े, बट विज़िट तो ज़रूर करेंगे आज। व्हाट कैन आई हैव फॉर अ मील? Fish. Mixer fish. Okay. यहाँ पर अराउंड 15 मिनट्स ये समझने के बाद कि उनके पास क्या क्या है, फाइनली मैंने चिकन और राइस ऑर्डर किया, जो मेरे को अराउंड 200-250 तक पड़ा। और ईरान में आप कहीं पर भी चले जाओ इजीली इतने में एक जन का खाना मिल ही जाएगा। गाइस यहाँ पे मैं मंदिर के अंदर तक तो आ गया, अभी अराउंड 5 बजे हैं, शाम के 5 बजे, अभी खुला है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मंदिर, टू बी ऑनेस्ट ये एक काइंड ऑफ अबैंडन टेम्पल है, यहाँ पे ज़्यादातर कोई लोग आता है नहीं, बट बहुत पुराना टेम्पल है। जैसे मैंने आप लोगों को हिस्ट्री बताई थी कि अराउंड 15 सेंचुरी में जब बहुत सारे इंडियंस यहाँ पे आए थे, वो लोग के लिए ये बनाया गया था। और अभी तो मेंटेनेंस में कमी लग रही है मेरे को, ये आप लोग देखो टेम्पल। यहाँ पे एक मूर्ति है, और यहाँ पे एक मूर्ति देख सकते हो आप लोग। तो काफ़ी छोटा टेंपल है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई आता वगैरह नहीं होगा, इसलिए उतना कुछ मेंटेन किया नहीं गया यहाँ पे। बट मुझे यार ये देखना था एक बार कि ईरान में टेंपल कैसा होता है क्या, मतलब मैंने पहली बार तो कभी पहले एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मेरे को ईरान में टेंपल देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे था, मेरे को एक्साइट किया तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ अभी। डिड यू लाइक इंडियन टेम्पल? यस, आई एम फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान। यहाँ पे थोड़े बहुत और स्टैचूज देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सारे स्टैचूज लगे हुए हैं। और ये पूरा कमरा देख के आपको समझ में आ रहा होगा कितना पुराना कमरा है ये। तो यहाँ पे आप लोगों को टिकट भी है गाइस, पहली बार किसी मंदिर में टिकट देख रहा हूँ मैं बट अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो शायद आपको 70-80 रुपये का टिकट देना पड़ेगा। बट मैं जब वहाँ पे गया था रिसेप्शन में तो वो बता रहे थे कि तुम मेहमान हो तुमसे नहीं लेंगे करके, मेरे से नहीं लिया। बट टिकट है यहाँ पे अराउंड 15 टोमान तक कुछ है, वो अराउंड आप पे करोगे तो अराउंड 80-90 रुपीज़ तक पड़ रहा है। तो वैसे एनी हाउ जो एक्सपेक्टेशंस लगा के आया था मंदिर देखूँगा करके, वो एक्सपेक्टेशंस तो पूरी नहीं हुई, बट देख लिया ईरान में टेम्पल तो यहाँ पे एक दुकान है जहाँ पे लोग शंख वगैरह और जितने भी इंडियन चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे बेच रहे हैं लोग। शंख है यहाँ पे और थोड़े बहुत जो ये देखिए आप लोग ऐसे ये सब सारे चीज़ें हैं। मुझे एग्जैक्टली पता तो नहीं रेट कितने के हैं ये सारे, क्योंकि पूरा ईरान में मतलब रियाल में लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब फारसी में लिखा हुआ है, बट पूरे इंडियन चीज़ मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। शंख है, ऐसा शंख भेजा, ये बजने वाला तो नहीं है शायद, ये ऐसे शोपीस काइंड ऑफ है, बट ये सब चीज़ें सारे यहाँ पे बेच रहे हैं लोग। ये देखो आप
यहाँ आने से पहले टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लगा के आया था कि पंडित वगैरह मिलेंगे मेरे को, बात वगैरह करूँगा, मैं पूछूँगा मंदिर के बारे में, हिंदी आती है कि नहीं पूछूँगा बट यहाँ पे तो कोई था ही नहीं यार अंदर, काइंड ऑफ म्यूज़ियम बना कर रखा है। तो अगर आपको ये टेम्पल आना है गाइस, तो आप सिटी सेंटर में आ सकते हो बंदर अब्बास में। सिटी सेंटर में आप किसको ही पूछोगे कि यहाँ पे हिंदू टेम्पल कहाँ पे है, वो बता देंगे आपको। नहीं तो आप गूगल मैप्स में सर्च करना इंडियन टेम्पल या फिर हिंदू टेम्पल नियर सिटी सेंटर, तो आपको मिल जाएगा। ये सारा सिटी सेंटर है, अभी देखो सारा चमक रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सब बंद था, 5 बजे के बाद सब फिर से खुल चुका है। अभी तो ये आ गए गाइस हम लोग पर्शियन गल्फ। और अगर आप लोग यहाँ पे बंदर अब्बास आ रहे हो तो मेक श्योर करना आप लोग अपनी इवनिंग यहीं पे स्पेंड करो। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट होता है यहाँ पे, और ज़्यादातर सारे लोकल्स आपको यहीं पे मिलेंगे। बहुत सारे स्ट्रीट फूड्स मिल जाएंगे आपको, अगर आपको कुछ खाना है तो खरीद के खा सकते हो आप लोग। और यहाँ से कल मैं जाऊँगा गाइस, ये कोस्ट से मैं जाऊँगा हॉर्मुज़ आइलैंड, फ्रॉम बंदर अब्बास टू हॉर्मुज़ आइलैंड। यहाँ से हॉर्मुज़ आइलैंड अराउंड 30 मिनट्स का रास्ता है शिप से, और बहुत कुछ फ़न करने वाला हूँ वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा आपको, बट अनटिल देन अगर आप लोग यहाँ पे बंदर अब्बास आ रहे हो तो ये सनसेट ज़रूर एक्सपीरियंस करना। तो गाइस जैसे ही मैं आज मेरे होस्ट के घर पे वापस आया, जितना भी मेरा आज प्लान था शाम का पूरा कंप्लीट करने के बाद, होस्ट के घर पे आने के बाद ही आर्या ने मेरे को सरप्राइज़ दिया, बोला कि वी हैव व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल डे, टुनाइट इज सफान दरमाज़गान डे, अ डे जस्ट स्पेशल फॉर वुमन। हाँ तो आज कैन यू रिपीट दैट वर्ड, सफान दरमाज़गान। तो आज है सफान दरमाज़गान, यहाँ पे ईरान में बहुत स्पेशल डे है। और ये डे में क्या होता है कि जो लड़कियाँ होती है घर में वो या लड़कियाँ जो होती है घर पे वो कुछ काम नहीं करती और उनके लिए पूरा रेस्ट होता है। तो आज स्पेशल डे है, तो सेलिब्रेट करने के लिए आर्या अपने आंटी अंकल के घर पे लेके आए हैं। तो दे आर सो दे आर बिजी राइट नाउ, तो अभी यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं डे। थैंक यू सो मच आर्या फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑलवेज। व्हाट इज योर नेम? बच्चों का रिलेशन अच्छा है ही नहीं मेरा अभी भी। किरशा है। We celebrated this. Don't tell what is this tomorrow. Yeah, okay. It just a water. Water. Mineral water.